All right. So we'll continue chapter number 6 only. Chapter number 12. Standard costing only. We'll continue chapter number 12. Standard costing. Right. और हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 26, ओके, मैंने आपको बोला था, तो आप जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 12.90, क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 12.90, एक बार आप देख लीजिए ना फ्रेंड्स, पूरा समझ लीजिए क्या दे रखा है। सिमिलर टाइप्स हम अपन ने किया था, एक प्रैक्टिस करा देता हूं आपको ना। Prepare the original budget along with the cost sheet showing the standard cost and profit. Calculate the sales, gross volume and fixed overhead volume variance. Prepare an operating statement reconciling the budgeted profit with actual profit. वही अपने steps हो जाएंगे। Step number one इनका क्या हो जाएगा? Answer number one. Step number one is a cost sheet. बोलो, cost sheet always on the basis of budgeted production. बनाओ जरा। Step number one. स्टेप नंबर वन इज ए कॉस्ट शीट। स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन। Budgeted production. Now, what is your budgeted production is? 20,000 units. 20,000 units. This is total. This is per unit. Direct material, direct labor, variable overhead, fixed overhead. Budgeted cost. Budgeted profit and budgeted sales. Right? Step number two, profit and loss account, and which is given. Step number two, profit and loss account, and which is given, and your actual profit equal to 196,190. तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर नंबर, बोलो, आंसर नंबर छोटू वन। हम
leave one full page for reconciliation. Leave one full page for reconciliation. It means your step number 3 statement showing reconciliation. Profit as per cost sheet. Leave one full page for this, right? ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर नंबर 3. लीव वन फुल पेज, राइट? आंसर नंबर 3. And answer number 2, our step number 4. Analysis of variance. Analysis of variance. First, material variance based on actual production. What your actual production is? 18,000 numbers. Standard actual kg rate amount kg rate amount labor variance hours rate amount hours rate amount variable overhead variance hours rate amount hours rate amount fixed overhead variance budget actual units recovery rate expense units expense याद आ रहा है फ्रेंड्स. Sales margin variance, units, rate, amount, units, rate, amount. Material cost variance, material usage variance, material rate variance.
लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस। वेरिएबल ओवरहेड, कॉस्ट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट वेरियंस। फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस। सेल्स मार्जिन वेरियंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस। फ्रेंड्स फॉर्मेट इज रेडी, बोलो फ्रेंड्स फॉर्मेट इज रेडी। व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन? 18,000 राइट। और अपन क्या देखते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। व्हाट इज एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 12 लाख 15,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 67.5 लेस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, वो अपन निकाल लेंगे और ये हमारा आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट। सही है सोनो फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, आगे चले। डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड 204,750, सही है सुनो फ्रेंड्स, 212,040 वेजेस, 212,040 देन
277020, 277020. Fixed overhead 325,000. Go very systematic, right? This is a missing figure, reverse questions, right? उल्टा जा रहे हैं इसमें हम लोग. Say yes or no, friends. Right? अब आ जाइए अपना. आपको क्या दे रखा है? डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरियंस 15,750 एडवर्स. मटेरियल यूसेज वेरियंस 27,000 एडवर्स. इट मीन्स मिलके आपका हो जाएगा 27,000 प्लस 15,750, 42,750 एडवर्स. 204,750, इसका मतलब बजटेड रहा होगा 162. बोलो या सुनो फ्रेंड्स, ये हमको है भी नहीं और अपने को चाहिए भी नहीं. आपको मटेरियल यूसेज वेरियंस है 27,000 एडवर्स. मटेरियल रेट का वेरियंस है आपको 15,750. मिलके आपका हो गया 42,750. एक्चुअल आपको मटेरियल कॉस्ट दे रखा है. इट मींस बाकी का आपका हो जाएगा 1,62,000. सही सुनो फ्रेंड्स, राइट. अब आप आ जाइए डायरेक्ट लेबर. रेट वेरियंस 6,840 एडवर्स. 6,840 एडवर्स. डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरियंस 10,800 फेवरेबल. मिलके क्या हो जाएगा? 10,800 लेस 6,840 3,960 फेवरेबल, राइट. एक्चुअल है हमारा 212040. 212040, इसका मतलब ऐड करना पड़ेगा 3,960, 2,16,000. 2,16,000. बोलो या सुनो, राइट. 2,16,000. What is the rate per hour? Rate per hour is rupees 6. It means 216 divided by 6 is 36,000. बोलो. समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? राइट है. इट मीन्स 36,000 माइनस समथिंग इंटू 6. 36,000 माइनस समथिंग इंटू 6. 10,800 डिवाइडेड बाई 6, द डिफरेंस इज 1,800 और वो फेवरेबल है. इसका मतलब लेस 36,000, दिस कम्स टू 34,200. 2,12,040 डिवाइडेड बाई
34,200 is 6.2. 6 minus 6.2 into 34,200. Follow yes or no, friends, right? Variable overhead efficiency variance 14,400 favorable. Variable overhead expense variance 3,420 adverse. 14,400 less 3,420. 10,980 favorable. 2,77,020 plus 10,980 is 2,88,000. So 2,88,000. There is no abnormal idle time. इसका मतलब दोनों के जो hours है वो क्या रहेंगे? Same. बोलो या सुनो friends. ये 36,000, ये 34,200. 2,88,000 divided by 36,000 is 8. 277,020 divided by 34,200 is 8.1. 36 minus 34,200 into 8. 8 minus 8.1 into 34,200. ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? बोलो. Budgeted units 20,000, actual units 18,000, fixed overhead expense variance 25,000 adverse. ये आपको 25,000 adverse दे रखा है and you know the actual expense is 3,25,000. इसका मतलब budgeted कितना रहा होगा? 3,20,000. आपका रिकवरी रेट नहीं, सॉरी, 3,00,000 आ जाएगा ना. बजटेड क्या रहा होगा? बोलो. 3,00,000. दिस इज 15. बजटेड ओवरहेड 3,00,000. सही है, सुनो फ्रेंड्स. एक्सपेंस मैनेजर बोलता है, सर अपन ने जो सोचा था उससे कितना ज्यादा खर्चा हुआ गया? 25,000. कितना खर्चा हुआ है? 3,25,000. इसका मतलब कितना सोचा होगा? 3,00,000 रुपीज. सही है, सुनो फ्रेंड्स, राइट है. अब आप आ जाइए टू बैंक 3,25,000 एंड बाय रिकवरी 18,000 इंटू 15 2,70,000. सो बाय अंडर रिकवरी 55,000.
by under recovery 55,000. Fixed overhead volume 20 minus 18 into 15, 30,000 adverse. Sales margin 20,000, 18,000. Sales margin, sales ka price variance and sales margin ka price variance is always same. So this is 45,000 favorable. Follow yes or no, friends, right? Clear है? यहां तक हम लोग आगे बोलो. Everything is fine. अब देखो, याद रखना, मैंने last time भी आपको बोला था, material cost 162 is for 18,000. बोलो, 162 into 20 divided by 18,000, then 216 divided by 18 into 20,000, then 288 divided by 18 into 20,000, and fixed overhead is rupees 3 lakhs. 162 into 20 by 18 is 1,80,000. 216 into 20 by 18, 2,40,000. 288 divided by 18 into 20, 3,20,000. 67.5 minus 52 is 15.5.
वेरी सिस्टमेटिक राइट. अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया है तो ये टॉपिक आपको समझेगा नहीं राइट. आपको सारे प्रॉपर सारे लेक्चर्स याद होने चाहिए. मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल. बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट. एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट. एनालिसिस ऑफ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. या समझे या नहीं समझे राइट. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा 15.5. सो 18,000 इंटू 15.5 इज 2,79,000. बोलो. इट मींस बजटेड माइनस एक्चुअल 15.5 इंटू 18,000 राइट है. बोलो यस और नो फ्रेंड्स. 45,000 डिवाइडेड बाई 18,000 2.5. डिफरेंस इज 2.5 राइट. इसका मतलब बजटेड रहा होगा आपका प्रॉफिट 13 रुपीज. 2.5 क्या है, फेवरेबल है 13 रुपीज. इट मीन्स 13 52 प्लस 13 इज 65. 20,000 इंटू 65 इज 13 lakhs. लेस 10 lakh 40,000 इज 2,60,000. 20 इंटू 13 इज 2,60,000. क्या प्रॉफिट सोचा था 2,60,000, क्या प्रॉफिट आ गया 279,000 फेवरेबल. 20 लेस 18 इंटू 30 एंड दिस कम्स टू 26,000 एडवर्स. दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस. So, yes, one of us, right? Can you prepare the reconciliation now? Friends, can you prepare reconciliation? Profit H per cost sheet. 2,60,000 now. Due to material usage variance. Due to material rate variance. Material usage 27,000 एडवर्स. जो एडवर्स है वो माइनस करो, जो फेवरेबल है वो एड करो. बराबर. लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस. लेबर एफिशिएंसी 10,800 फेवरेबल, 6,840 एडवर्स. वेरिएबल ओवरहेड
एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर और रेट. वेरिएबल ओवरहेड 14,400 फेवरेबल, 3,420 एडवर्स. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस 25,000 एडवर्स. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस 30,000 एडवर्स. सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस 26,000 एडवर्स. सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस 45,000 फेवरेबल. प्रॉफिट एच पर पी एंड एल अकाउंट 260 लेस 27,000 15,750 196,190. वो जो मैंने वेरिफिकेशन वाले पॉइंट बोले थे वो वेरीफाई करके देखो जरा. सेल्स का प्राइस, मार्जिन का प्राइस हमेशा क्या होना चाहिए? सेम. जस्ट चेक. सेल्स का प्राइस, मार्जिन का प्राइस हमेशा क्या होना चाहिए? सेम. ये टैली हो रहा है फ्रेंड्स आपका? बोलो. जस्ट चेक. सेल्स का प्राइस, मार्जिन का प्राइस क्या होना चाहिए? बोलो. सेम. क्या था अपना? सेल्स प्राइस वेरियंस एंड सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस हमेशा क्या रहेगा? सेम. सेल्स का प्राइस वेरियंस और सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस हमेशा क्या रहेगा? सेम. बिकॉज इन बोथ द प्लेसेस वी डिडक्ट द कॉन्स्टेंट कॉस्ट, राइट? अगर आपने एक जगह एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दिया तो वो टैली होगा नहीं. ठीक है, आप देखो. व्हाट इज योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस? एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है आपका? 67.5, राइट? एक्चुअल यूनिट्स 18,000 एंड मेडिया वेरियंस मिलके क्या आ रहा है? बोलो. 45,000 फेवरेबल. इसका मतलब 45 को डिवाइड करो 18 से, 2.5. इसका मतलब एक्चुअल में आपको जो सेलिंग प्राइस है वो कितना मिला होगा? 2.5 एक्स्ट्रा. ठीक है, तो 67.5 माइनस 2.5 आपका क्या रहा होगा? 65. देखो कॉस्ट शीट में क्या आ रहा है, 65.
देखो कॉस्ट शीट में क्या आ रहा है, बोलो 65। समझे या नहीं समझे? राइट। या फिर व्हाट इज योर एक्चुअल सेल्स, आपका एक्चुअल सेल्स क्या दे रखा है, बोलो 12 लाख 15,000। उसके अंदर दे दीजिए सेल्स प्राइस वेरियंस, सेल्स प्राइस वेरियंस आपको दे रखा है 45,000 फेवरेबल। इसका मतलब ये जो सेल है उसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, इसका मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर एक्चुअल सेल्स, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर एक्चुअल सेल्स इज 12 लाख 15,000 माइनस 45 इज 11 लाख 70 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 18,000। इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या आएगा 65। बोलो या सुनो फ्रेंड्स, आर यू फॉलोइंग? एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 12 लाख 15,000 डिवाइडेड बाई 18,000। 12 लाख 15,000 डिवाइडेड बाई 18,000 इज 67.5। प्राइस वेरियंस विच इज फेवरेबल कितना 45 ऑन 18,000। सो 45 डिवाइडेड बाई 18,000 दिस कम्स टू 2.5। सो व्हाट योर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 60। दैट वे यू कैन वेरीफाई योर आंसर कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं वो आंसर बराबर है या नहीं है। बोलो यस और नो फ्रेंड्स, राइट है? जो भी आंसर आप लिख रहे हैं वो आंसर बराबर है या नहीं है? बराबर है? अब देखो, अब क्लाइंट आपको बोलता है अच्छा ठीक है, सपोज योर क्लाइंट इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? उसको सब मालूम है। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप कैसे कंसल्टेंसी दोगे, राइट? वो भी थोड़ा बुड्ढा रहेगा तो फिर बोलेगा तुम क्या हमको, कल का लड़का तुम हमको क्या बिजनेस में बताएगा करके ना। लेकिन उसका बिजनेस डूबेगा तब वो कंसल्टेंट को याद करता है, राइट? क्वेश्चन 28 जरा देखो और टॉप में आप लिख दो, इफ बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट गिवन। अपना वो उसने क्या पकड़ा है अपना पॉइंट, अच्छा तुमको ये याद है ना, बजटेड प्रोडक्शन हो एक्चुअल हो तो तुम फटाफट कर देते हो। वो बोलता है ठीक है मैं तुमको बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन दोनों नहीं देगा, कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम? आंसर इज यस, राइट? देखो जरा 28 पेज नंबर 12.92 एंड टॉप में लिख दो, इफ बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट गिवन, राइट? क्वेश्चन 28 पेज नंबर 12.92, क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 12.92, क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 12.92। आपको दोनों ही नहीं दे रखे, बजटेड प्रोडक्शन भी नहीं है एक्चुअल प्रोडक्शन भी नहीं है। देखो जरा,
if budgeted and actual production is not given. You are required from the data actual output, actual profit, actual price per kg of material, actual rate of direct labor, amount of overhead absorbed, budgeted output, overhead capacity, efficiency, sales price and sales margin price one of the same, sales volume, profit variance. And end mein aur jara ek add kar do, end reconciliation. And रिकंसिलेशन. अब आपको ऐसे सिचुएशन कराता हूं जहां पे आपको रिवर्स है, उल्टा जाना है और बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट गिवन, राइट. लेकिन उससे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, अपने को क्या दे रखा है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर ए प्रोडक्ट. ए को अंडरलाइन कर दो. तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलता है, ए प्रोडक्ट, एक यूनिट को बनाने में 20 केजी मटेरियल लगता है, उसका रेट है 1 रुपीज 20 पैसे, 6 आवर्स लगते हैं एट द रेट ऑफ 6, ओवरहेड 6 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹2. नाउ यू टेल मी, आपको क्या लगता है, ये ओवरहेड वेरिएबल है या ये ओवरहेड फिक्स्ड है? आपको क्या लगता है, ये ओवरहेड वेरिएबल है या ये ओवरहेड फिक्स्ड है? सिक्स आवर्स एट द रेट ऑफ ₹2, ये ओवरहेड वेरिएबल है या ये ओवरहेड फिक्स्ड है? वेरिएबल. रॉन्ग. वेरिएबल ओवरहेड में कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस किधर आता है, आपसे पूछा है ना, बजटेड आउटपुट के बाद ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस ओवरहेड. इसका मतलब ओवरहेड कैपेसिटी एफिशिएंसी किस में आता है, बोलो, फिक्स्ड में आता है ना, तो वेरिएबल कैसे हुआ? अगर आप इसको वेरिएबल ले लोगे तो वेरिएबल में किधर आता है, कैपेसिटी एफिशिएंसी. इसका मतलब ये फिक्स्ड में ही आता है ना, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस. ठीक है, स्टार्ट करें. स्टेप नंबर वन, आप पहले बना लो कॉस्ट शीट, राइट. स्टेप नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन, टोटल पर यूनिट. बजटेड प्रोडक्शन अपने पास नहीं है, राइट. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड कॉस्ट, बजटेड प्रॉफिट, बजटेड सेल्स. डायरेक्ट मटेरियल 24 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 36 एंड 12, 24, 36 एंड 12, 72. से या सो नो फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो. फिक्स्ड ओवरहेड है क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड में ही आपको बताया था ना, कैपेसिटी एफिशिएंसी किस में निकलता है, इन फिक्स्ड ओवरहेड. ओके, ठीक है. अब अपने को क्या बोल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस. इट मींस 72 × 20/80. अगर आपका सेलिंग प्राइस 100 है तो आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, 20, तो आपका कॉस्ट क्या रहेगा, 80. समझे या नहीं समझे फ्रेंड्स, राइट. 20 इट मींस 18 रुपीज, ये आपका क्या हो जाएगा, 90 रुपीज. और आपको बजटेड सेल्स दे रखा है 50
54,000. It means 54,000 divided by 90, and this comes to 600 units. आपका क्या आएगा बजटेड प्रोडक्शन बोलो 600 यूनिट्स. राइट. स्टेप नंबर टू स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट फॉर अप्रैल 2003. स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अप्रैल 2003. टू लेबर अकाउंट टू फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट बाय सेल्स एंड टू नेट प्रॉफिट. सेल्स आपको दे रखा है 46,750, राइट है फ्रेंड्स. टू मटेरियल 15,000, टू लेबर 21,175. यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स बोलो. क्वेश्चन में नहीं पूछा है फिर भी हम लोग बना रहे हैं अपने रेफरेंस के लिए, राइट. एग्जाम में नहीं पूछा है तो आपको नहीं बनाना, राइट. तो स्टेप नंबर थ्री दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग reconciliation. Leave one full page for that, right. Step number 3, statement showing reconciliation. बोलो यस और नो फ्रेंड्स, राइट. लीव वन फुल पेज फॉर दैट, राइट. लीव वन फुल पेज फॉर रिकंसिलिएशन. लीव वन फुल पेज फॉर रिकंसिलिएशन. राइट है. स्टेप नंबर फोर
स्टेप नंबर फोर एनालिसिस ऑफ वेरियंस. मटेरियल वेरियंस बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. स्टैंडर्ड एक्चुअल केजी रेट अमाउंट. केजी रेट अमाउंट लेबर वेरियंस आर्स रेट अमाउंट. आर्स रेट अमाउंट फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस. यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस. दिस इज योर बजट एक्चुअल. यूनिट्स एक्सपेंस आर्स रिकवरी रेट एक्सपेंस. आर्स एक्सपेंस सेल्स मार्जिन वेरियंस. यूनिट्स रेट अमाउंट. यूनिट्स रेट अमाउंट वेरिएबल ओवरहेड नहीं है और फिक्स्ड ओवरहेड में इसको दोनों वेरियंस चाहिए. वॉल्यूम के दो पार्ट हो जाते हैं ना. बोलो कौन कौन से. कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. बोलो यस और नो फ्रेंड्स. राइट. फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरियंस डिवाइडिंग टू मटेरियल यूसेज वेरियंस मटेरियल रेट वेरियंस. लेबर कॉस्ट वेरियंस लेबर एफिशिएंसी वेरियंस लेबर रेट वेरियंस. राइट है. फिर ओपन फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस.
सेल्स मार्जिन वेरियंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस। बोलो यार, सुनो फ्रेंड्स, फॉर्मेट रेडी है आपके पास? बताओ। फॉर्मेट रेडी? स्टार्ट करें। अभी अपने पास एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारे पास एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है कितना? 15,000। एक्चुअल वेजेज है 21,175, राइट है। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरियंस 600 एडवर्स, यूसेज वेरियंस 1200 एडवर्स, मिलके क्या हो जाएगा 1800 एडवर्स, ये 15,000, राइट है। सो 15,000 लेस 1800 आपका क्या आ जाएगा 13,200। बजटेड कॉस्ट 13,200, एक केजी का रेट है 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2, दिस कम्स टू 11,000। बोलो। बोलो। इट मींस 11,000 माइनस समथिंग इनटू 1.2, 1200 डिवाइडेड बाय 1.2 इज 1,000 एडवर्स है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 12,000। ये 12,000, 15,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इज 1.2 लेस 1.25 इंटू 12,000। बोलो या सुनो फ्रेंड्स, राइट है।
बोलो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट राइट। अगर मेरा एक्चुअल आउटपुट है 1 यूनिट तो स्टैंडर्ड इनपुट कितना रहेगा मेरा 12 kg, ये रखा ना क्वेश्चन में 20 kg। अरे बोलो, इफ द एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1 यूनिट तो अपने को कितना लगेगा 20 kg। ये मैंने कितना लिया है 11,000, इसका मतलब कितना रहा होगा, स्टैंडर्ड इनपुट ऑलवेज फॉर एक्चुअल आउटपुट इट मींस 550 इंटू 20 मेरा क्या आ जाएगा 11, तो योर एक्चुअल प्रोडक्शन विल बी 550 यूनिट्स। बोलो यस और नो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। सही आंसर नो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। बोलो लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर रेट 3025 एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी 1650 फेवरेबल, 3025 लेस 1650 1375 एडवर्स, 21175 इसका मतलब 19,800। 1 आर का रेट इज रुपीज 6, 19,800 डिवाइडेड बाय 6 इज 3,300। हाउ टू वेरीफाई, 550 यूनिट्स एंड 1 यूनिट इज रिक्वायर्स 6 hours, 550 units and 1 unit is requires 6 hours. बोलो लेबर एफिशिएंसी वेरियंस 3300 इंटू समथिंग इंटू 6, 1650 डिवाइड बाय 6 275, 3300 माइनस 275 एक्चुअल आवर्स विल बी 3025, 21175 डिवाइडेड बाय 3025 इज 7 rupees, 6 माइनस 7 इंटू 3025।
6 minus 7 into 3025. Bolo yes or no, friends. देखो और एक तरीके से बताता हूं आपको एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना, राइट। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो प्रॉपर। अब आपको इसका पूरा यूज करके बताता हूं ना, फिक्स्ड ओवरहेड का, राइट। देखो आपको क्या दे रखा है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस आप लिख लीजिए 200, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस 200 फेवरेबल, एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस 600 एडवर्स। इसका मतलब मिलके क्या हो जाएगा, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो आपके पास बजटेड यूनिट्स है 600, एक यूनिट का रिकवरी रेट है 12, इसका मतलब आपका 7200 रहा होगा। समझे या नहीं समझे, यहां तक क्लियर हुआ है। अब देखो 7200, इसका मतलब आपने सोचा था 7200, एक्चुअल में आ रहा होगा 7000, तभी तो 200 फेवरेबल आएगा। बोलो यस और नो, इट मींस ये आपका आ जाएगा 7000। आपने क्या किया, टू बैंक 7000 एंड बाय रिकवरी एंड बाय अंडर रिकवरी। व्हाट इज योर अंडर रिकवरी, 400 रहा होगा, तभी तो वेरियंस आएगा ना। अरे बोलो यस सुनो, तो इसका मतलब आपने रिकवर कितना किया होगा, व्हाट इज योर रिकवरी रेट पर यूनिट, इसका मतलब एक्चुअल यूनिट्स कितने बने होंगे, क्लैप करो। सही है सुनो, इसके लिए ये सारे मिसिंग फिगर्स वगैरह निकालने के लिए अपन ने ये सब बनाया, समझे या नहीं। इतना कॉपी कर लो पहले आप। फिक्स्ड ओवरहेड से भी हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसका मतलब एक्चुअल यूनिट्स हमारे रहे होंगे 550। बोलो यस और नो फ्रेंड्स, राइट। कैपेसिटी वॉल्यूम निकाल सकते हैं 7200। नाउ वन यूनिट इज रिक्वायर्स 3600, 2 रुपीज, 7000 एंड एक्चुअल आवर्स विल बी 3025। आ जाएगा ना 7200, वन यूनिट इज रिक्वायर्स 6 आवर्स, 600 इंटू 6 आपका क्या हो जाएगा 3600, व्हाट इज द रिकवरी डेट 2, एक्चुअल एक्सपेंस 7000, 3025।
fixed overhead capacity variance 3600 minus 3025 into 2, पे किया 3600 के लिए, काम करने को मिला ओनली 3025, इट्स नॉट गुड. 3025 into 2, 1150 एडवर्स. यूनिट्स आर्स, अगर यूनिट्स 600 है आर्स 3600, बराबर. यूनिट्स 550 है तो आर्स कितने होने चाहिए 3300, और 3300 वाला काम आपने कर दिया 3025 में. इट मीन्स यू आर वेरी एफिशिएंट. 2 rupees, 3025 into 2, 550 favorable. प्लस 1150 600 यूनिट्स को बनाने में 3600 आर्स, तो 550 यूनिट्स को बनाने में कितने आर्स लगेंगे 3300, और वो 3300 वाला काम मैंने कितने घंटे में कर दिया बोलो 3025 में. यस और नो फ्रेंड्स बोलो. ऑलराइट, बोलो. बजटेड यूनिट्स 600, एक्चुअल यूनिट्स 550. बजटेड प्रॉफिट इज, पहले कॉस्ट शीट को कंप्लीट कर लें फ्रेंड्स. 600 इंटू 24, 14400, 36 इंटू 600, 21600, 12 into 600, 7200, 14400 plus 21600 plus 43200 less 54 is 10,800, 18 rupees. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस 6600, एक्चुअल 7000, लॉस ऑफ रुपीज 400. बोलो यस और नो फ्रेंड्स.
प्रॉपर है। अब चलें आगे, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। व्हाट इज एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 46,750 डिवाइडेड बाय 550 डिवाइडेड बाय 550 इज 85 लेस बजटेड कॉस्ट 72। सो 85 माइनस 72 इज 13 इंटू 13 550 इंटू 13 इज 7150। बजटेड 18 600 इंटू 18 इज 10,800। बोलो सेल्स मार्जिन वेरियंस 10,800 लेस 7150 3,650 एडवर्स। वॉल्यूम 600 550 इंटू 18 13 इंटू 550 2,750 एडवर्स। Say yes or no, friends, right? Fixed overhead actual 7,000 आ जाएगा। So your actual profit will be 46,750 minus 15,000 minus 21,175 minus 7,3575. Now can you prepare the reconciliation? रिकैंसिलेशन बना सकते हैं? बनाइए। प्रिपेयर द रिकैंसिलेशन। प्रॉफिट एच पर कॉस्ट शीट 10,800। प्रॉफिट एच पर कॉस्ट शीट 10,800। नाउ ड्यू टू मटेरियल यूसेज वेरियंस 1200 एडवर्स, मटेरियल रेट वेरियंस 600 एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस 1650 फेवरेबल, लेबर रेट वेरियंस 3025 एडवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस 200 फेवरेबल। अब या तो आप वॉल्यूम लिखो या कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी लिखो, राइट?
या तो वॉल्यूम ले लो या कैपेसिटी, तो अपन ले लेते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस 1150 एडवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस 550 फेवरेबल, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम 900 एडवर्स एंड सेल्स मार्जिन प्राइस इज 2750 एडवर्स। प्रॉफिट एज पर P&L, बोलो यस ऑन ऑफेंस, राइट, क्लियर हो रहा है? वंस अगेन आप लो, इफ द बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट गिवन, क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 12.104, क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 12.104, क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 12.104, आराम से रीड करो, जरा देखो क्या दे रखा है ना। टॉप में लिख दो आप, इफ बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट गिवन, इफ बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट गिवन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ए वीक, राइट? और आपसे क्या पूछ रहा है, कंप्यूट द वेरियंस रिलेटेड टू लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है? प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द वीक, और उसमें एक एड कर दो आप एंड रिकंसिलेशन, तो क्या आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड रिकंसिलेशन, राइट? ठीक है, अपने पास ना बजटेड प्रोडक्शन है ना ही
एक्चुअल प्रोडक्शन है। तो पहले ये फॉर्मेट आप बना लो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, उससे बजटेड कॉस्ट मिलेगा, एड बजटेड प्रॉफिट एंड बजटेड सेल्स, क्योंकि मटेरियल ही दे रखा है, लेबर दे रखा है एंड फिक्स्ड ओवरहेड है, इसके अंदर वेरिएबल ओवरहेड नहीं है, राइट। स्टेप नंबर वन आप बना लीजिए कॉस्ट शीट। स्टेप नंबर वन बनाइए कॉस्ट शीट। स्टेप नंबर वन फॉर्मेट बना के छोड़ दीजिए आप। स्टेप नंबर टू, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट फॉर द वीक, फॉर द वीक। रिकैंसिलेशन नहीं पूछा है, हम एक्स्ट्रा में कर रहे ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, रहे स्टेप नंबर टू स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द वीक। स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द वीक। अपने से पूछा नहीं है, फिर भी हम लोग एक्स्ट्रा में कर रहे हैं। लीव वन फुल पेज फॉर रिकैंसिलेशन और उसके बाद ये पूरा फॉर्मेट आप जरा बना लीजिए, राइट।
सेम फॉर्मेट आप बना लीजिए राइट। फॉर्मेट इज रेडी, बोलो। लीव वन फुल पेज फॉर रिकंसिलेशन, पूछा नहीं है फिर भी बना लेते, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अपने को ना। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ वाई फॉर ए वीक। 400 केजी ऑफ मटेरियल एक्चुअली यूज्ड, 400 केजी एंड परचेज कॉस्ट देयर ऑफ इज रुपीज 24,800, इट मीन्स 24,800 डिवाइडेड बाई 400 एंड दिस कम्स टू 62। द स्टैंडर्ड प्राइस पर के जी ऑफ रॉ मेटेरियल इज रुपीज 60। द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 12 यूनिट्स, ठीक है। रॉ मेटेरियल प्राइस वेरियंस एंड यूसेज वेरियंस 800 एंड 600, प्राइस वेरियंस 800 एंड यूसेज 600, 800 एडवर्स एंड यूसेज 600, मिलके क्या हो जाएगा 1400, 24,800 less 1400 is 23,400 divided by 60 is 390, बराबर। मटेरियल यूसेज वेरियंस 390, 400 into 62 into 400। बोलो या सुनो फ्रेंड्स, राइट। कैसे लेते हैं अपन, बोलो। स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट। अगर मेरा एक्चुअल आउटपुट है 12 यूनिट्स तो मेरा स्टैंडर्ड इनपुट कितना रहेगा 1 केजी, और मैंने स्टैंडर्ड इनपुट कितना लिया है 390, इट मींस 390 इंटू 12 4680। मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना रहा होगा 4680। हाउ टू वेरीफाई, यूनिट्स देन इनपुट 12 यूनिट्स 1 केजी 4680 डिवाइड बाई 12 इज 390 केजी।
इट मीन्स योर बजटेड प्रोडक्शन, योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 4680 यूनिट्स. योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 4680 यूनिट्स. बोलो. नाउ द वीक इज 40 आवर्स. द स्टैंडर्ड टाइम फॉर वन यूनिट इज 30 मिनट्स. 4680 इंटू 0.5 आवर्स. 4680 इंटू 0.5 आवर्स इज 2340. द रेट पर आवर इज रुपीज 5. 2340 इंटू 5 इज 11,700. The week is for 40 hours. The standard time to produce is 30 minutes. The standard wages is 5 rupees. The company employs 60 workers who have been paid hourly wages 6, 8 and 46. यहां पे एक नोट बना लो अपना. एक्चुअल वेजेस पेड 6 वर्कर्स, 8 वर्कर्स एंड 46 वर्कर्स. वीक इज फॉर 40 आवर्स. 6 इंटू 40 240, 8 इंटू 40 320, 46 इंटू 40 1840. 240 320 1840 इज 2400 आवर्स इंटू रेट पर आवर इज 4.8, 5.2 एंड 5. 240 इंटू 4.8 इज 1152. 320 इंटू 5.2 इज 1664. 1840 इंटू 5 इज 9200. 1664 1152 12,016. समझे यानी फ्रेंड्स. एक्चुअल वेजेस पेड 12,016 एंड एक्चुअल आवर्स इज 2400. So 12,016 divided by 2400 is 5.0066. Bolo yes or no, friends. Labor cost variance 11,700 and 12,016. 316 adverse. Labor efficiency 2340 less 2400 into 5 is 300 adverse. 5.0066 into 2400 and this is 16 adverse. बोलो यस ऑर नो फ्रेंड्स. राइट, ये आपका हो गया.
labor variance. Budgeted overhead for 4 weekly period is 81,600. It means 81,600 divided by 4. 81,600 divided by 4. 81,600 divided by 4, 20,400. लेकिन उसके सामने एक्चुअल आपका ओवरहेड है 19,800. एक्चुअल यूनिट्स 4680 एंड एक्चुअल आर्स 2400. Okay, now tell me how to find out budgeted units. How to find out budgeted units? How to find out budgeted units? How to find out budgeted units? फिक्स्ड ओवरहेड के टाइम पे नहीं बताया था, प्रोडक्शन मैनेजर को पूछेंगे कितने नंबर ऑफ डेज हैं, आपके पास कितने वर्कर्स हैं, राइट? एक वर्कर एक दिन में कितने घंटे काम करेगा? देखो यहां पे कितने हैं अपने पास, 60 वर्कर्स हैं, 40 आवर्स का वीक है, कितना हो गया 2400, एंड 1 आवर में वी कैन प्रोड्यूस 2 यूनिट्स बिकॉज 30 मिनट चाहिए ना एक को बनाने में, तो 4800. 60 वर्कर्स, 40 आवर्स का वीक, 2400 इंटू 2 यूनिट्स, इट मीन्स 2400 डिवाइडेड बाई 4800, 4.25. 2400 डिवाइडेड बाई 2400 इज 8.5. याद आया? बोलो. 60 वर्कर्स, 40 आवर्स का वीक, 2400 आवर्स, 1 आवर में वी कैन प्रोड्यूस 2 यूनिट्स, 4800. इट मीन्स आपका बजटेड प्रोडक्शन हो गया अभी 4800. टू बैंक 19,800 एंड बाय रिकवरी 4680 इंटू 4.25. 4680 इंटू 4.25 19,890. तो 2 ओवर रिकवरी 90. सही या सुनो फ्रेंड्स, रिकवर्ड ओवरहेड 19,890, पेड 19,800, ओवर रिकवरी ऑफ 90 फेवरेबल. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस 2400 माइनस 19,800, 600 फेवरेबल.
volume 4800 minus 4680 into 4.25. $510 adverse. This plus this equal to this. Fixed overhead capacity variance 2400 minus 2400 into 8.50. 4800 units को 2400 hours, तो 4680 को बनाने में 2340 hours एंड 2340 वाला काम हम लोगों ने किया है 2400 में इंटू 8.5 इज 510 adverse. बोलो फ्रेंड्स, बोलो या सुनो फ्रेंड्स, राइट. बजटेड यूनिट्स 4800, टोटल पर यूनिट बना सकते हैं कॉस्ट शीट 23400 इज फॉर 4680, तो 4800 के लिए कितना 11700 इज फॉर 4680, तो 4800 के लिए कितना. फिक्स्ड ओवरहेड 20400, डिवाइडेड बाई 4680 इंटू 4800 इज 24000. 11700, 4800, 4680, 12000. 24 प्लस 12 प्लस 2400, 56400 डिवाइडेड बाई 4800 इज 11.75. सही है. सुनो फ्रेंड्स, एंटायर आउटपुट ऑफ XA has been sold at rupees 15. Less 11.75, 3.25 into 4800, 15600. 15 into 4800 is 72000.
बोलो यस और नो फ्रेंड्स. या ऑल राइट. टू मटेरियल अकाउंट, टू लेबर अकाउंट, टू फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, बाई सेल्स 4680 इंटू 15, 4680 इंटू 15 70,200. एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 24,800, 12,016, 19,800 टू नेट प्रॉफिट 70,200, 24,800, 12,016 एंड 19,800, 13,584. Follow yes or no friends, right? बजटेड यूनिट्स 4800, बजटेड प्रॉफिट 3.25, एक्चुअल यूनिट्स 4680, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट. एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रुपीज, एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज सेम एज बजट राइट, लेस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट इज 11.75. सो योर एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट विल बी 3.25. सो 3.25 4680 इंटू 3.25 इज 15,210. थ्री नाइन्टी एडवर्स 3.25 माइनस 3.25 इंटू 4680 इज जीरो. बोलो दिस इज ए प्लस प्लस कैटेगरी क्वेश्चंस राइट.
ना बजटेड प्रोडक्शन ना एक्चुअल प्रोडक्शन, एनालिसिस ऑफ वेरियंस। जो लोग फॉर्मूला के थ्रू जाते हैं ना वो तो कर ही नहीं पाते स्टैंडर्ड, स्टार्टिंग में ही छोड़ देते, बेसिक सम्स भी नहीं कर पाते क्योंकि अपना लॉजिक क्लियर है, इसके लिए यू आर सो कंफर्टेबल। तो एक बार इसका मैं एलएमआर का लिस्ट बना के आपको देता हूं, एलएमआर आप कर लोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। बोलो, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट 15,600, क्या था मटेरियल यूसेज वेरियंस, मटेरियल यूसेज 600 एडवर्स, रेट 800 एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी 300 एडवर्स, रेट 16 एडवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस 600 फेवरेबल, कैपेसिटी एफिशिएंसी एडवर्स, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम और प्राइस जीरो, प्रॉफिट एज पर पीएनएल आप टॉप में लिख दीजिए इफ बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट गिवन। ये आपके पीएम में भी, ओल्ड पीएम में भी दे रखा है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है, राइट। तो आपको रिकंसिलेशन दे रखा है, बजटेड प्रॉफिट 1 लाख और एक्चुअल प्रॉफिट इज 94,040। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बजटेड फॉर द ईयर, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 1 यूनिट, प्रॉफिट 25%, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एनुअल फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 2001 इन द, क्लाइंट बोलता नहीं तुम्हारा फॉर्मेट नहीं चलेगा, हमारे फॉर्मेट में आंसर करो आप, राइट। लेकिन स्टेप्स अपने सेम रहेंगे, फॉर्मेट उसका यूज कर देंगे, फाइनल आंसर उसका दे देंगे। फॉर्मेट स्टेप नंबर 1, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजट। अभी ऐसे देखो, पूरे साल का 1,20,000 बजटेड प्रोडक्शन है, राइट। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको ओनली कौन से मंथ के लिए चाहिए, अप्रैल के लिए, तो डिवाइड बाई 12 कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करने का, पहले ट्राई करने का कि अपने को लॉजिकली मिले करके, राइट। तो स्टेप नंबर 1 आप बना लो, स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन,
टोटल पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड कॉस्ट, बजटेड प्रॉफिट एंड बजटेड सेल्स। फाइव के जी एट द रेट ऑफ फोर इज 20, टू आवर्स एट द रेट ऑफ थ्री इज 6 एंड 480,000 इज ए फिक्स्ड ओवरहेड फॉर 120,000 यूनिट्स, इट मीन्स 4.30. प्रॉफिट इज 25% ऑन सेलिंग प्राइस, 30, 25 by 75, 10 एंड दिस कम्स टू 40. सुनो फ्रेंड्स, राइट, अभी देखो रिकैंसिलेशन में, अपने को कितना प्रॉफिट दे रखा है, रुपीज 1 लाख. इसका मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, आपका बजटेड यूनिट्स कितना रहा होगा, 10,000. 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, आपका बजटेड यूनिट्स कितना रहा होगा बोलो, 10,000. आपका बजटेड यूनिट्स रहा होगा 10,000. इट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल 2,60,000, 40,000, 3 lakhs एंड 4 lakhs. सही है सुनो फ्रेंड्स, अगर सपोज बजटेड प्रोडक्शन वहां पे होता था 90,000, बजटेड प्रॉफिट होता था 1 लाख की जगह 90,000, इसका मतलब इन द मंथ ऑफ अप्रैल विच ईयर, अप्रैल 2001, अगर यहां पे 1 लाख की जगह 90,000 होता तो हम लोग क्या लेते थे, 9,000. ऐसा जरूरी नहीं है कि इवनली होगा प्रोडक्शन, बट अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते थे, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12, 10,000. सही है सोनो, परफेक्टली क्लियर. अब आप बनाइए स्टेप नंबर 2, जो अपना क्या रहेगा, फाइनल आंसर, राइट. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 अपना फाइनल आंसर, लेकिन उनके फॉर्मेट में चाहिए उनको, राइट. आंसर उनको खुद के फॉर्मेट में चाहिए, राइट. तो स्टेप नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या फॉर्मेट है उनका, अकाउंट क्वांटिटी आर्स रेट प्राइस एंड एक्चुअल वैल्यू, ठीक है. अकाउंट क्वांटिटी आर्स सेट है ना, सेल्स डायरेक्ट मटेरियल
direct labor, fixed overhead. Total cost, and profit. Say yes or no, friends, right? Step number three, reconciliation, which is given. Step number three अपना क्या रहता है? Reconciliation, और वो क्या है आपको? Given. और आपका actual जो profit है P&L account में वो क्या आना चाहिए? 94,040. दे रखा ना? P&L account में profit कितना है? 94,040 only. राइट है. स्टेप नंबर थ्री रिकंसिलेशन. स्टेप नंबर फोर एनालिसिस ऑफ वेरियंस. फर्स्ट मटेरियल वेरियंस बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. एक्चुअल प्रोडक्शन अपने पास नहीं है. स्टैंडर्ड एक्चुअल केजी रेट अमाउंट केजी रेट अमाउंट लेबर वेरियंस आर्स रेट अमाउंट आर्स रेट अमाउंट फिक्स्ड ओवरहेड बजट एक्चुअल यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस आर्स रिकवरी रेट एक्सपेंस यूनिट्स एक्सपेंस आर्स एक्सपेंस. सेल्स मार्जिन वेरियंस यूनिट्स रेट अमाउंट यूनिट्स रेट अमाउंट. मटेरियल कॉस्ट वेरियंस मटेरियल यूसेज वेरियंस मटेरियल रेट वेरियंस
लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस। फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड, कॉस्ट वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड, एक्सपेंस वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड, वॉल्यूम, फिक्स्ड ओवरहेड, कैपेसिटी वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड, एफिशिएंसी वेरियंस। से यस और नो फ्रेंड्स, राइट? सेल्स मार्जिन वेरियंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस। कैसा भी क्वेश्चन रहने दो, अपना फॉर्मेट क्या रहेगा? सेम। अपने पास एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्या क्या दे रखा है? अब देखो, एक जरा समझने की बात है। आपको रिकंसिलेशन में पहला दे रखा है सेल्स वॉल्यूम। कभी भी रिकंसिलेशन में सेल्स आएगा नहीं, ये गलत दे रखा है, राइट? ब्रैकेट में वहां पे लिख दो मार्जिन। सेल्स मार्जिन रहेगा हमेशा, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम। आप बोलोगे सर हम आपकी बात कैसे माने, तो मैं आपको वेरिफिकेशन करके दिखाता हूं, राइट? सेल्स का प्राइस, मार्जिन का प्राइस सेम रहेगा। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस है, यूसेज है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरियंस 4960 एडवर्स, यूसेज वेरियंस है अपना 6400 एडवर्स। डायरेक्ट लेबर रेट वेरियंस 3600 एडवर्स एंड फेवरेबल 3600। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस 2400 फेवरेबल एफिशिएंसी, राइट है? फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस 4000 एडवर्स, एक्सपेंस वेरियंस 1400 फेवरेबल, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो आपको मेरा ये टेबल बहुत काम आएगा, राइट? मैं स्टार्टिंग से सिखाते हुए आया हूं आपको, सारा की सारा आपको यहां से मिलेगा इंफॉर्मेशन। कुछ भी नहीं है आपके पास, ना एक्चुअल प्रोडक्शन है ना कुछ है, ठीक है? अब देखो, ये और ये मिलके ये हो जाएगा वॉल्यूम 4000 2400 1600 एडवर्स, 1600 1400 मिलके क्या हो जाएगा 200 एडवर्स। सही है, सुनो फ्रेंड्स, इतना कंप्लीट कर लो पहले ना।
वो वेरी सिस्टमेटिक, आप एक एक चीज को समझिए जरा ना क्या बोलना चाह रहा है। टू हंड्रेड एडवर्स राइट, ठीक है। अब देखो आपके पास कॉस्ट शीट में था बजेटेड ओवरहेड कितना था 10,000 यूनिट्स एंड व्हाट वाज़ द रिकवरी रेट 4 रुपीज, 40,000 था ना फ्रेंड्स। अरे बोलो कॉस्ट शीट में देखो 40,000 था ना, यस और नो? इसका मतलब ये 40 और ये रहा होगा लेस 1400, इट मींस 40,000 लेस 1400, 38,600। टू बैंक 38,600, देखो टू बैंक 38,600 बाई रिकवरी एंड बाई अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी 200, इसका मतलब रिकवर्ड हुआ होगा 38,600 माइनस 200 इज 38,400। एक यूनिट का रिकवरी रेट क्या है 4 रुपीज, सो 38,400 डिवाइड बाई 4 इज 9,000। आपका एक्चुअल जो यूनिट्स बने होंगे वो कितने बने होंगे बोलो, 9,600। समझे या नहीं समझे फ्रेंड्स? एक्चुअल प्रोडक्शन इज 9,600 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 9,600 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 9,600 यूनिट्स, बराबर 9,600, वन यूनिट इज रिक्वायर्ड 5 kg, 9,600 इंटू 5 48,000 इंटू व्हाट इज द रेट 4 रुपीज, 1,92,000, 9,600 यूनिट्स, वन यूनिट इज रिक्वायर्ड 2 आवर्स, 19,200, रेट पर आवर इज रुपीज 3, 57,600, वन यूनिट इज रिक्वायर्ड 2 आवर्स, 10,000 इंटू 2, 20,000, 40,000 एंड 2 रुपीज, सही है सुनो फ्रेंड्स, 10,000 यूनिट्स बजटेड इंटू 10 एंड द प्रॉफिट इज रुपीज 1,00,000। बोलो यस सुनो फ्रेंड्स राइट, मेटेरियल कॉस्ट 192,640 एडवर्स प्लस 4,960 एडवर्स, 11,360 एडवर्स, सो 192 में ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 203,360, सही है सुनो फ्रेंड्स, 48,000 माइनस समथिंग इंटू 4, 6,400 डिवाइड बाई 4, 1600, 49,000
600, 49600, 203360 divided by 49600 is 4.1. 4 minus 4.1 into 49600. Bolo yes or no, friends, right? एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो रहा कि नहीं? यू आर डूइंग ए प्लस प्लस कैटेगरी क्वेश्चंस, राइट? से यस और नो फ्रेंड्स, राइट? लेबर कॉस्ट वेरियंस 3600 फेवरेबल, 3600 एडवर्स, मिलके क्या हो जाएगा? जीरो. तो 57600 माइनस 57600, सो 57600. से यस और नो फ्रेंड्स, आप लोग पहुंचे यहां तक? 19200 माइनस समथिंग इनटू 3, 3600 डिवाइडेड बाय 3, 1200, इट मींस 18000. 18,000, 57,600 divided by 18,000 is 3.2. So 3 minus 3.2 into 18,000, आपका ये आ जाएगा. बोलो yes or no friends, right? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस 38400, लेकिन पे किया 38600. वॉल्यूम वेरियंस 19200, उसके सामने प्रोडक्शन हुआ है 18000 इनटू 3, सॉरी 20000, और उसके सामने 10000 माइनस 9600 और इनटू 4. से यस और नो फ्रेंड्स, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस, एक्चुअल आर्स आपके 18000, एक्चुअल यूनिट्स 9600, एक्चुअल एक्सपेंस 57, एक्चुअल एक्सपेंस 38600. कैपेसिटी वेरियंस 20 माइनस 18 इंटू 2, वन यूनिट इज रिक्वायर्ड 2 आवर्स, तो 9600 को बनाने में 19200, उसके सामने वी आर टेकिंग ओनली 18000 इंटू 2, इट मीन्स यू आर वेरी एफिशिएंट. You are very efficient, right? Bolo. अभी देखो, अपना आंसर तो आ सकता है करके ना, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है 203360, एक्चुअल लेबर कॉस्ट है 57600, एक्चुअल ओवरहेड है 38600, मिलके हो जाएगा 203360 प्लस 57600 प्लस 38600, 203360 57600 प्लस 38600, 299,
560 प्लस 94040 सेल्स आएगा 393600 और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 9600 सो डिवाइडेड बाय 9600 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 41। क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया राइट, लेकिन पूरा आपको वेरीफाई करके भी बता देता हूं। बोलो यस और नो फ्रेंड्स, राइट है? आप वेरीफाई कर लेते कि जो मैंने आपको बोला था वो बराबर है कि नहीं, राइट? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो। हैं, अब देखो एक्चुअल यूनिट सोल्ड 9600, एक्चुअल यूनिट सोल्ड है ना, और एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज 41 माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, व्हाट इज द बजटेड कॉस्ट 30, क्या हो जाएगा 11 इंटू 11, सो 9600 इंटू 11 105600, समझे या नहीं समझे फ्रेंड्स, राइट? वन लैख 5600, देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 5600 फेवरेबल, वॉल्यूम 10,000 माइनस 9600 इंटू 10, 4000 एडवर्स, 10 माइनस 11 इंटू 9600 फेवरेबल। देखो यही आपको रिकंसिलेशन में आ रहा होगा, तो कभी भी रिकंसिलेशन में सेल्स वेरियंस नहीं आएगा राइट, कभी भी रिकंसिलेशन में सेल्स वेरियंस नहीं आएगा राइट। बोलो यस सुनो फ्रेंड्स, राइट? समझ में आ रहा है? आप देखो जरा रिकंसिलेशन में क्या आ रहा है वो भी समझ लो जरा ना। बोलो क्लियर और नॉट फ्रेंड्स?
तो सेल्स का मार्जिन और सेल्स का वॉल्यूम वेरियंस आप देखो जरा, सेल्स कभी भी नहीं आएगा रिकंसिलेशन में, अगर वो लिखा है इसका मतलब वो क्या है, सेल्स मार्जिन, अगर वो लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, सेल्स मार्जिन वेरियंस, ठीक है।